आज जो सीट प्लाट पे हम गांव की बोनी करी रहे हैं और इनमें C306 एक नस्ल है उसकी बोनी करांगी। या जो नस्ल है कम पानी की नस्ल है कि दो पानी चावे, और यह नस्ल जो गांव की है C306 के बोने से पहला हम बीज के उपचारित करांगा एजोटोबैक्टर MPSB से उपचारित करांगे। एजोटोबैक्टर MPSB एक जीवाणु है जो कि जमीन में जो पड़ी खाद है, सुपर खाद है, जो यूरिया खाद के वहाँ या फिर नाइट्रोजन है उके घुलनशील अवस्था में लेने पौधा के उपलब्ध कराने में मदद करे। इका लिए अपनों को बीज को एजोटोबैक्टर MPSB से उपचारित करांगा। उपचारित किस तरह से करना उका बारा में अभी अपन जानांगा। चलो चल राम सिंह। चलो भैया अभी जाम सिंह कहिए, ये अपना कितना गांव है, 25 किलो का कितना बीघा में बोएगा? 1 बीघा 1 बीघा में 25 किलो बोएगा है ना। तो ये जो 25 किलो गांव है अपना 1 बीघा में बोने के लिए, उसका लिए अपन के पहला बोनी से पहला एक उपचारित करांगा है ना। उपचारित अपन एजोटोबैक्टर से करांगा। देखियो एजोटोबैक्टर लिखियो है ना, और ये पे अपना गांव की उम्बी मंडी, और इसमें क्लियर लिखियो है कि सभी एक दली फसलों के लिए, मतलब अपना गांव के करी सकता है क्या उपचारित, मक्का के करी सकता, जो मतलब दाल वाली फसल नहीं है उसका लिए उपचारित करने के लिए यू है। एक दली मतलब मक्का होगी, अपनो गेहूं होगी, इस तरह की फसल के उपचारित करने में यो काम आए है नहीं। और लिखियो जीवाणु खाद। इसी तरह से यो जो PSB अपन कवाए पे देखियो, PSB लिखियो, यो भी एक जीवाणु है नहीं, जीवाणु खाद है। और ये सभी फसल के लिए उपयोग है, इका ऐसा नहीं है कि इन्हीं फसल का लिए, गेहूं का लिए, सभी फसल में वो फायदा करेगा है ना। तो इको भी काम यह है कि अब जो अपना खेत में सुपर खाद पड़ियो रहे, यह सल्फर जो है उके जो सुपर खाद है उके खाने लायक अवस्था में पौधा के लाए और पौधा के वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। और धीरे धीरे कहीं है कि जीवाणु की संख्या खेत में बढ़ेगा तो खेत की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगा है ना। पहला तो ही खेत में था ही जीवाणु, लेकिन रासायनिक खाद तरह तरह का खाद डालने से ही सब खत्म हो गया या कम हो गया जमीन में। कल ही अपना ये जीवाणु अपना खेत में बढ़ाना है नहीं। ये कि अपन अपना 1 बीघा में कितना बीज बोए, तो 25 किलो 25 किलो बीज बोए है नहीं। तो यो अपनों का ही पैकेट है 150 ग्राम को, तो अपन कहिए यो जो एजोटोबैक्टर है 1 किला के लिए 5 ग्राम की जरूरत पड़े, तो अपनों जो 25 किलो जो बीज है उसका लिए अपने 125 ग्राम एजोटोबैक्टर की जरूरत है।